हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग वर्ब फॉर्म्स के सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि V1 को V2 एंड V3 कैसे बनाया जाता है। साथ ही इसमें हम लोग सीखेंगे इसका हिंदी मीनिंग और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ भी है और साथ में मैं बोल भी देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, सो दैट कि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना या संभालना। V2 है इनका बैलेंस्ड, V3 है बैलेंस्ड। अगला देखिए बैन। बैन का हिंदी होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना। V2 है बैंड, V3 है बैंड। अगला वर्ड है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है देश निकाल देना या बाहर कर देना। V2 होगा बैनिश्ड, V3 होगा बैनिश्ड। अगला देखिए बेस। बेस का मतलब होता है नींव डालना, आधार बनाना। V2 होगा बेस्ड, V3 होगा बेस्ट। अगला देखिए, अगला वर्ड है बाथ। इसका हिंदी थोड़ा सा गलत है, देख लीजिए। बाथ मतलब होता नहाना। V2 होगा बाथड, V3 होगा बाथड। अगला वर्ड है बियर। बियर का हिंदी होता है सहन करना। V2 होगा बोर, V3 होगा बॉर्न। अगला वर्ड देखिए बी। बी मतलब होता है होना। V2 होगा बोर, सॉरी वाज, एंड V3 होगा बीन। बी का V2 होगा वाज एंड V3 होगा बीन। अगला वर्ड देखिए बीट। बीट मतलब होता है पीटना। बीट का V2 बैट होता है एंड V3 होता है बीटन। अगला वर्ड देखिए बिकम। बिकम मतलब होता है होना। बिकम का V2 होता है बिकेम एंड V3 होता है बिकम। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का हिंदी होगा V2 होगा बिगन, V3 होगा बिगन। अगला वर्ड देखिए बेंड। बेंड मतलब होता है मोड़ना या झुकना। V2 होगा बेंट, V3 होगा बेंट। अगला देखिए बाइंड। बाइंड मतलब होता है बांधना या लपेटना। V2 होगा बाउंड, V3 होगा बाउंड। अगला वर्ड देखिए बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। V2 होगा बीट, V3 होगा बीटन। अगला वर्ड देखिए ब्लीड। ब्लीड मतलब होता है खून बहना। ब्लीड मतलब खून बहना। V2 होगा ब्लेड, V3 होगा ब्लेड। अगला वर्ड देखिए ब्लो। ब्लो मतलब होता है बहना। ब्लो का V2 होगा ब्लू, V3 होगा ब्लॉन। अगला वर्ड देखिए ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का V2 होगा ब्रोक, V3 होगा ब्रोकन। अगला वर्ड देखिए ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। ब्रिंग का V2 होगा ब्राउट, V3 होगा ब्राउट। अगला वर्ड देखिए बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्ड का V2 होगा बिल्ट, V3 होगा बिल्ट। अगला वर्ड देखिए बर्न। बर्न मतलब होता है जलाना। V2 होगा बर्नट, V3 होगा बर्नट। अगला वर्ड देखिए बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। बाय का V2 होगा बाउट, V3 होगा बाउट। बैग। बैग मतलब होता है भीख मांगना, भीख मांगना। ये V2 होगा बैग्ड, V3 होगा बैग्ड। अगला वर्ड देखिए ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। V2 होगा ब्लेस्ड, V3 होगा ब्लेस्ड। अगला वर्ड देखिए बिहेव। बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना। V2 होगा बिहेव्ड, V3 होगा बिहेव्ड। अगला वर्ड देखिए बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब होता है निहारना, ध्यान से देखना। V2 होगा बीहेल्ड, V3 होगा बीहेल्ड। अगला वर्ड देखिए बीहेड। बीहेड मतलब होता है सिर काटना। अगला वर्ड V2 होगा बीहेल्ड, बीहेडेड। अगला V3 होगा बीहेडेड। अगला वर्ड देखिए बिलीव। बिलीव मतलब होता है भरोसा करना। V2 होगा बिलीव्ड, V3 होगा बिलीव्ड। अगला वर्ड देखिए ब्लो। ब्लो मतलब होता है डकारना या गर्जना। V2 होगा ब्लोड, V3 होगा ब्लोड। अगला वर्ड देखिए बूचर।
बूचर मतलब होता है हत्या करना या मार डालना, भी टू होगा बूचर्ड, भी थ्री होगा बूचर्ड। अगला देखिए बिस्टो, बिस्टो मतलब होता है दान करना या अर्पित करना, भी टू होगा बिस्टोर्ड, भी थ्री होगा बिस्टोर्ड। अगला देखिए बेटर, बेटर मतलब होता है सुधारना, बेटर्ड मतलब भी टू हो गया, अब बेटर्ड भी थ्री हो गया। अगला वर्ड देखिए बीथिंक, बीथिंक मतलब होता है विचार करना, भी टू होगा विथआउट, भी थ्री होगा विथआउट। अगला देखिए बीवेयर, बीवेयर मतलब होता है सावधान करना, भी टू होगा बीवेयर्ड, भी थ्री होगा बीवेयर्ड। अगला वर्ड देखिए बिड, बिड मतलब होता है बोली लगाना, बिड का भी टू होगा बिड, भी थ्री होगा बिड। अगला देखिए बॉयल, बॉयल मतलब होता है उबालना, भी टू होगा बॉयल्ड, भी थ्री होगा बॉयल्ड। अगला देखिए बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना, भी टू होगा बोरोड, भी थ्री होगा बोरोड। अगला देखिए बॉदर, बॉदर मतलब होता है तंग करना, भी टू होगा बॉदर्ड, भी थ्री होगा बॉदर्ड। अगला देखिए बो, बो मतलब होता है सलाम करना, नमस्कार करना, भी टू होगा बोव्ड, भी थ्री होगा बोव्ड। अगला देखिए बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, भी टू होगा बॉयकॉटेड, भी थ्री होगा बॉयकॉटेड। अगला वर्ड देखिए ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारित करना, भी टू होगा ब्रॉडकास्ट, भी थ्री होगा ब्रॉडकास्ट। अगला वर्ड देखिए ब्रश, ब्रश मतलब होता है सफाई करना, भी टू होगा ब्रश्ड, भी थ्री होगा ब्रश्ड। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बस्ट, बस्ट मतलब होता है फटना, भी टू होगा बस्ट, भी टू होगा, भी थ्री होगा बस्ट। अगला वर्ड देखिए बैरी, बैरी मतलब होता है जमीन में गाड़ देना, भी टू होगा बरीड, भी थ्री होगा बरीड। अगला वर्ड देखिए ब्रीड, ब्रीड मतलब होता है पैदा करना, पालना, ब्रेड भी टू होगा, ब्रेड भी थ्री होगा। अगला वर्ड देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेड लिखा है वो ब्रीड होता है। अगला देखिए बट, बट मतलब होता है सिर या सिंग से धक्के मारना, बटेड भी टू होगा, बटेड भी थ्री होगा। अगला वर्ड देखिए बटर, बटर मतलब होता है रोटी पर मक्खन लगाना, भी टू बटर्ड होगा, भी थ्री बटर्ड होगा। अगला वर्ड देखिए बिलोंग, बिलोंग मतलब होता है संबंध रखना या का निवासी होना, भी टू होगा बिलोंग, भी थ्री होगा बिलोंग्ड। ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना, भी ब्लेम का भी टू होगा ब्लेम्ड, भी थ्री होगा ब्लेम्ड। अगला वर्ड देखिए ब्लीच, ब्लीच मतलब होता है सफ़ेद करना, भी टू होगा ब्लीच्ड, भी थ्री होगा ब्लीच्ड। अगला वर्ड देखिए ब्लैंक, ब्लैंक मतलब होता है खाली या सादा, भी टू होगा ब्लैंक्ड, भी थ्री होगा ब्लैंक्ड। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट्स करके बताएं। अगला वीडियो मैं जैसे ही लेकर के आऊँगा तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।